कोई भी शिया घर बैठे दुनिया भर में कहीं पर भी मौजूद लाइलाज मरीजों को अल्लाह के हुक्म और अल्लाह की ताकत से ठीक नहीं कर सकता कि वो शिया घर पे बैठा हुआ हो और मरीज़ दुनिया में कहीं पर भी हो, अस्पताल में हो, सड़क पर हो, वीराने में हो, जंगल में हो, किसी आस्ताने में हो, या अपने घर के अंदर पड़ा हो, बिस्तर पे पड़ा हो, कहीं पर भी पड़ा हो, और वो शिया अपने घर पर हो और वो अल्लाह की ताकत और अल्लाह के हुक्म से उसको ठीक करके दिखा रहा हो, उसको ही नहीं बल्कि बहुत सारे जो भी मरीज़ों से रबते करते रहे वो अपने घर पे बैठा रहे और वो मरीज़ कहीं पर भी हो और ना वो कोई दवा दे रहा हो ना फिजिकली वहाँ पर मौजूद हो, लेकिन वो अपने घर पे बैठे बैठे सिर्फ अल्लाह की ताकत से उसको ठीक करके दिखा रहा हो और ऐसा मुमकिन करके दिखा सके। दुनिया में ऐसा कोई शिया नहीं है, जबकि दीन इस्लाम में से एक सुन्नी मुस्लिम मौजूद है जो घर बैठे लाइलाज मरीजों को, चाहे वो दुनिया भर में कहीं पर भी हो, वो उनको अल्लाह के हुक्म और उसकी ताकत से ठीक कर सकता है, ठीक कर चुका है बहुत सारे लाइलाज मरीजों को और वो ठीक करता भी है। ये इस बात का प्रैक्टिकल सबूत है कि शिया मज़हब बातिल है, क्योंकि शिया किसी भी शिया को, किसी भी शिया मज़हबी और रूहानी पेशवा को ये ताकत अल्लाह से हासिल नहीं है और ना ही ये ताकत किसी शिया को कभी हासिल हो सकेगी कि वो घर पे बैठे बैठे दुनिया के अंदर कहीं पर भी मौजूद लाइलाज मरीजों को अल्लाह के हुक्म और उसकी ताकत से ठीक करना शुरू कर दे, उनको ठीक कर रहा हो और उन्हें ठीक करने की ऑफर्स दे रहा हो। जबकि जिस सुन्नी मुस्लिम के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ उसके साथ कोलैबोरेशन की वजह से, अल्लाह के फजल से, लेजेंड अपने बिजनेस के अंदर लेजेंडरी फ्रीलांसर .com उसकी वेबसाइट पर, वहाँ पर लाइलाज मरीजों के ऑपरेशन और इलाज के हवाले से सर्विस ऑफर कर चुका है और उसी सुन्नी मुस्लिम और उसकी लेजेंडरी टीम के ज़रिए अल्लाह ने अपने हुक्म से और अपनी ताकत से लाइलाज बहुत से मरीज़ों को बेहतर किया, ठीक किया, यहाँ तक कि कोरोना वायरस के चंद मरीज़ों को भी अल्लाह ने फ़ायदा पहुँचाया, जिसके प्रैक्टिकल सबूत लेजेंडरी फ्रीलांसर में मौजूद है। ये इस बात का प्रैक्टिकल सबूत है, ये बात खुद घर बैठे दुनिया भर में कहीं भी मौजूद लाइलाज मरीजों को ठीक करने की ताकत किसी शिया के पास ना होना भी प्रैक्टिकल सबूत है कि शिया मज़हब बातिल है और सिर्फ इस्लाम, दीन इस्लाम सच्चा दीन है और उसमें सुन्नी मुस्लिम जो मैंने आपको बताया वो इसीलिए, जिससे आपको पता लग जाए कि शियत के मुकाबले पे जो मुस्लिम्स हैं, जो नेक मुस्लिम हैं, जो मुसलमान हैं असल में, यानी कि दीन इस्लाम है, तो शियत का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं, शियत का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं और इस्लाम जो है वो सिर्फ इस्लाम सच्चा दीन है, शियत इस्लाम से एक अलग मज़हब है। जाने तुझे क्या कहूँ।